दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉटरी स्टोर, सबकी लॉटरी लगेगी, द डोर नागचला फोर लेन पर, शनिदेव मंदिर के सामने। इंदिरा मार्केट के चारों प्रवेश द्वारों में आए दिन प्रवासी लोगों द्वारा डेरा डाला जाता है और पान गुटखा खाकर वहीं थूककर दीवारों को गंदा किया जा रहा है, जिससे इंदिरा मार्केट की खूबसूरती को दाग लग रहा है। ये बात इंदिरा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अशोक शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि आए दिन प्रवासी लोग अपनी जूता पॉलिश और कपड़ों इत्यादि की दुकानें अवैध रूप से इंदिरा मार्केट के चारों प्रवेश द्वारों पर लगा देते हैं और ये लोग नशे में धुत होकर लोगों से गाली गलौज करते हैं। प्रवासियों के बच्चे इंदिरा मार्केट की दुकानों से सामान उठा लेते हैं और मार्केट में लगाई गई फुलवारी को भी उनके बच्चे द्वारा तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा मार्केट एसोसिएशन नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग करता है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल, आपके चैनल के माध्यम से आज ये बताना चाहूँगा कि इंदिरा मार्केट की सुंदरता पर प्रवासियों द्वारा ग्रहण लगा दिया गया है। हमने बहुत कोशिश करके इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अभी लाखों रुपए का पेंट निगम द्वारा करवाया गया, लेकिन चारों गेट द्वार पे इन लोगों द्वारा बैठने से और गंदगी फैलाने से अब इसको एक तरीके का ग्रहण ही लग गया हुआ है। जिस भी दीवार को देखें वहाँ थूक लगा हुआ है, पीक लगा हुआ है, गुटखा इन्होंने फेंका हुआ है और साथ में ये सारा दिन यहाँ पे गंदगी फैलाकर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इनके बच्चों ने पूरे इंदिरा मार्केट के पेड़ पौधे सब टहनियाँ तोड़ दी हैं और सारा दिन दुकानों के आसपास आके दुकानों से सामान उठाते रहते हैं। हमने कई बार इस बारे में आग्रह किया निगम से भी, पुलिस से भी, कि इन प्रवासियों का कोई स्थायी हल निकाला जाए, क्योंकि इनकी संख्या एक तो बढ़ती जा रही है और इतनी अराजकता इन्होंने फैला रखी है कि आम आदमी इनसे मुंह लगाने से भी डरता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आज ये आग्रह करना चाहूँगा सभी अधिकारियों से, प्रशासन से, पुलिस से, निगम से, कि इनको प्रवेश द्वारों के, इंदिरा मार्केट के प्रवेश द्वारों पर बिल्कुल फटकने ना दिया जाए और ना ही इनको अपनी फड़ियाँ ऊपर लगाने की इजाज़त दी जाए। अभी कुछ लाखों रुपये, 9-10 लाख रुपये खर्च करके ये सारा कई वर्षों बाद ठीक कराया गया, लेकिन हमने यहाँ पे पोस्टर भी लगाए सभी जगह कि यहाँ पे ना कोई गुटखा थूके, ना कोई किसी प्रकार की गंदगी फैलाए, लेकिन ये दीवारें और ये प्रवेश द्वार जो है सारे के सारे फिर से वैसे के वैसे ही गंदे हो गए हमारे। इस प्रकार से तो ये इसी साल इसी द्वारा से मार्केट गंदी हो जाएगी और इसका सारा ये जो इतनी मेहनत की गई है सब बेकार चली जाएगी और इन प्रवासियों को कोई पूछ नहीं रहा। मैं साथ में आग्रह करना चाहूँगा कि इन सब पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि शहर में बढ़ रही चोरी चकारी की घटनाएं भी आगे को इन्हीं लोगों का हाथ होता है और जितनी गंदगी फैलाई गई है, कल कारगिल पार्क में ये लोग रात में बैठ के खाना बना रहे थे जिसमें किसी की नज़र नहीं गई, ना पुलिस वालों ने देखा ना किसी और ने किया है, 3-4 दिन से लगातार ऐसा चल रहा है। आग्रह करना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको शहर से बाहर रखा जाए और साथ ही मैं आग्रह ये भी करना चाहूँगा जितना गुटखा और पान खा के ये सारी दीवारें लाल की जा रही हैं इस पे भी सख्त कार्रवाई की जाए और इनको ये करने से रोका जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। द लॉटरी स्टोर, यहाँ सबकी लॉटरी लगेगी, 20-80% डिस्काउंट। अगर आपको चाहिए रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस, ब्रांडेड क्लोथ्स, शूज, गिटार, फर्नीचर, गद्दे, कंबल, बेडशीट या घर के इस्तेमाल का कोई भी सामान, तो चले आइए द लॉटरी स्टोर, डडोर नागचला फोर लेन पर, शनिदेव मंदिर के सामने। ऑनलाइन से भी सस्ता सामान, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6280000904।